भारत में फिलहाल फेस्टिव सीजन चल रहा है। इस त्योहार के मौसम में कई लोग घर जाना चाहते हैं, लेकिन ट्रेन टिकट कंफर्म ना होने की वजह से जा नहीं पाते। इस सीजन में वेटिंग टिकट कंफर्म होने का चांस काफी कम हो जाता है, लेकिन तत्काल टिकट बुकिंग के ऑप्शन से आप कंफर्म टिकट बुक कर सकते हैं। हालांकि डिमांड ज्यादा होने की वजह से लोगों को कई बार तत्काल टिकट मिल नहीं पाता। इसके लिए वो एजेंट्स का भी चक्कर लगाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक तरीका बताने वाले हैं जिससे आपको एजेंट्स के पास जाने की जरूरत ही नहीं होगी। IRCTC के इस फीचर से आप आसानी से तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। कंफर्म टिकट मिलने का चांस भी इस तरीके से काफी ज्यादा हो जाता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं IRCTC के मास्टर लिस्ट फीचर की। इससे आपका काफी ज्यादा समय टिकट बुकिंग करते समय बचेगा और कंफर्म तत्काल टिकट मिलने का चांस भी बढ़ जाएगा। मास्टर लिस्ट फीचर से आप पहले से यात्रियों के नाम को भर कर रख सकते हैं। इससे टिकट बुक करते समय आपको नाम को फिर से टाइप करने की जगह सिर्फ ऑप्शन में से सेलेक्ट करना होगा। इससे आपका काफी समय बचेगा और कंफर्म तत्काल टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। सबसे पहले आप IRCTC ऐप या वेबसाइट को ओपन कर लें। इसके बाद IRCTC अकाउंट लॉगिन कर लें। फिर आपको यहां दिए गए ऑप्शन में से मास्टर लिस्ट फीचर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। यहां पर आप उन यात्रियों की डिटेल्स भर दें जिनके लिए आप तत्काल टिकट बुक करना चाहते हैं। तत्काल टिकट बुकिंग शुरू होने पर आप मास्टर लिस्ट से यात्री की डिटेल्स सेलेक्ट कर सकते हैं। इससे आपका काफी ज्यादा समय बचेगा। इसके अलावा आप पेमेंट करते समय अगर UPI पेमेंट ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं तो पेमेंट काफी तेज होगी और यहाँ भी टिकट बुकिंग में काफी समय बच जाएगा। हालांकि कई बार बिजी रूट्स में कंफर्म टिकट बुकिंग में दिक्कत आती है, लेकिन ये तरीका ज्यादातर समय में काम करता है। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ सीख जरूर मिली होगी और आगे से जब आप तत्काल टिकट बुक करने का सोचें तो आपको एजेंट्स के पास ना जाना पड़े और आप घर बैठे ही मास्टर लिस्ट फीचर के जरिए अपनी तत्काल टिकट बुक कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। बने रहें खबर विभाग के साथ।